मतलब कुत्ते की वजह से तुम 9 लाख खर्चा कर दिया मेरा। ज्यादा हो गया, मतलब कुत्ते के लिए 9 लाख ठीक है, और मतलब वो सांड वगैरह होते तो उसके लिए 12-13 लाख हो जाता भाई सोचो। गाइज वो फिर से मटन बन रहा है जो कि पिंकू एक्स्ट्रा उस दिन लेके आ गए थे। ये ना पूरा मतलब मैंने डीप फ्रिज में रखा था तो फ्रीजर में, तो पूरा जम गया था, पूरा आइस बन गया था। अभी थोड़ा मतलब मेल्ट हो गया है। सुबह से मैंने निकाल के रखा था फिर भी नहीं खोल रहा था, मतलब कुकर में डाल के एक सीटी लगाने के बाद ही खोला है। तो देखते हैं, पता नहीं, ऐसा तो यूजुअली मैं खाती नहीं हूँ कि फ्रीज में रखने के बाद, तो देखते हैं इसका जो टेस्ट है कैसा आता है आज। चाहे गाइस जो भी हो जाए पर जो रियल और फ्रेश जो मटन का टेस्ट होता है ना, मतलब वो आप जैसे भी बनाओ ना बहुत टेस्टी लगता है। बट फ्रीजर में रखने के बाद आप उसको मतलब जितना भी अच्छे से बनाओ मतलब वो टेस्ट नहीं आएगा, मतलब मुझे तो नहीं आता है। स्पेशली हम दोनों को तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने टेस्ट भी किया था, क्योंकि हमारा जो नेटिव है ना वहाँ पर बचपन से इतना अच्छा मटन मिलता है और हम मतलब वैसे ही मटन खा के मतलब बड़े हुए हैं, तो अगर टेस्ट में डिफरेंस आता है तो पता ही चल जाता है आपको, फ्रेश मटन का टेस्ट और इसमें तो डिफरेंस होगा ही, क्योंकि पूरा आइस होकर ना ये जम गया था। मतलब सुबह मतलब 8:30 बजे मैंने निकाला था, पर 12:30 तक भी वो ठीक से, क्योंकि बैंगलोर का वैसे भी यहाँ पर अभी ठंड ही है तो वो आइस मेल्ट नहीं हुआ था ठीक से, ऊपर से हो गया था बट अंदर का नहीं हुआ था। और बहुत लोग पिंकू ये भी पूछ रहे थे कि मतलब अच्छा वाला मटन जो होता है, ये वाला तो मटन एक्चुअल में बहुत अच्छा मिलता है जहाँ से आप लाते हो, तो कुछ आदि मुझे बहुत टाइम कमेंट्स आया कि आप कहाँ से लेके आते हो, तो एग्जैक्ट मटन एक्चुअली कहाँ से लेके, मतलब यहाँ पर बैंगलोर में तो आपको पता नहीं चलेगा कि मटन कौन सा है, बकरा कौन सा है। हाँ। और ये जो होता है ना क्या बोलते हो, मेंढा को क्या बोलते हैं यार, सीप, तो वो पता नहीं, तो कुछ भी यहाँ पे बहुत मिक्स होता करते हैं तो वो पता नहीं चलता है। तो एक्चुअली हम लोग पहले से 90% बैंगलोर में, अगर ओडिया लोग और बंगाली लोग होंगे तो भैया से हमें पता चला था, क्योंकि तो मैं भी पहले जब बैंगलोर में था तो उस टाइम में मेरे को पता था काडूगुड़ी में, काडूगुड़ी ब्रिज से जस्ट राइट हैंड साइड आप लेके, अगर आप व्हाइट फील्ड की तरफ से आ रहे हो देन काडूगुड़ी ब्रिज से आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो अंदर काडूगुड़ी मार्केट के अंदर 2-3 मटन सप है, दो ही मटन सप है, जो लास्ट वाला मटन सप है तो वो एक्चुअली प्योर मटन देता है, क्योंकि वहां पे हम मतलब जहाँ पर पहले भी रहते थे तो वहां पे जो पास में ओडिया रेस्टोरेंट था वो लोग भी यहीं से ही मटन लेते हैं, जितना हो बंगाली होटल जितना भी हो यहीं से मटन लेते हैं वो लोग, तो मतलब बाकी मटन के कंपेरेटिवली तो ये एक्चुअल में अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है ये मटन एक्चुअली, ये बकरा रहता है। ओके, तो काफी लोग पूछ रहे थे, तो अगर आप लोग अगर ज्यादा लेना चाहते हो, अगर कोई 2-3 फैमिली है तो 4-5 फैमिली, अगर 5-6 किलो हो गया तो आपके सामने वो काट के भी देगा, फ्रेश वाला एक काटेगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को इतना लेना, फ्रेश वाला काटेगा। इसी चलते आप ले आए थे बहुत ज्यादा, इसलिए हमको आज मजबूरन फ्रीज वाला खाना पड़ रहा है, हम लोग वेडनेसडे खा पा रहे हैं ठीक है, अगर वो वाला मटन होता तो हम लोग चांस ही नहीं खा पाते। सो इवनिंग हो गई है गाइस, सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेडनेसडे और फिलहाल आज तो हमने वो मटन, घटिया वाला मटन, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, इनको चल गया, इन्होंने खा लिया, क्योंकि ना ये फिर भी मतलब लाइक काफ़ी टाइम से पिंकू बाहर है तो वो तो बाहर का मटन लाइक आप थोड़ा बहुत वैसे खाते होगे, मोस्टली यहाँ पे लाइक ओडिशा का टाइप का मटन मिलना इज डिफिकल्ट, राइट। ओडिशा हमारा जो नेटिव है, हाँ, स्पेशली बहुत अच्छा मटन मिलता है और वो तो फेमस है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड गाइस जो ओडिशा जाते हो आप लोग कभी जाना, बारीपदा बोल के एक प्लेस है जो कि हमारा नेटिव प्लेस है। हाँ। तो आज सबको बोल भी दिया हम लोग नेटिव प्लेस, देखो मतलब बहुत नहीं बोले हम पहले भी सर, मटन और मुड़ी वहाँ पे फेमस है, हमने बोला भी था और एक बार कभी। हाँ तो अब कभी जाना वहाँ पर मटन और मुड़ी जो होता है, जो मुरमुरा होता है, मुरमुरा पॉप राइस होता है, वो फेमस है बहुत ज्यादा। एंड गाइस और एक चीज, आज ना मतलब चिरंजीव भैया और भाभी का एनिवर्सरी है, जो हमारा वीडियो का और एक पार्ट है, जो बहुत लोग को मतलब ऐसे पूछे हैं कि वो लोग कौन है क्या। हाँ, है मतलब बहुत लोगों को अच्छे भी लगते हैं वो लोग, बट भाभी थोड़ा मतलब कैमरा के आगे आने में शाय करती हैं, तो इसीलिए ज्यादातर भाभी जब भी होती है, वो लाइक परसों भी आए थे हमारे घर पर, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। और ना आज उन लोगों का एनिवर्सरी है तो हमने अभी क्या आप ऐसे मतलब तो तो वो भैया और भाभी का एनिवर्सरी है, तो इसीलिए हमने हम सोच रहे मतलब पिंकू और मैं अभी ऑल ऑफ सडन सोच रहे थे कि एक केक लेके जाएंगे, क्योंकि ना परसों जो है उन लोगों का हाउस वार्मिंग का पूजा है, तो इसीलिए वो लोग सेलिब्रेट वगैरह नहीं कर रहे हैं, आई नो वो लोग काफी बिजी होंगे, इसीलिए हम तो सोच तो रहे कि जाएंगे, बट ये हमें नहीं पता है कि वो लोग अभी फिलहाल घर पे होंगे या कहाँ पर होंगे,
तो ट्राई करते हैं किसी तरह से फोन करके, मतलब उन हम लोगों लोग सोच रहे हैं कि वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, अगर हम वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चले गए होंगे फिर हाँ। तो गया हमारा केक भी गया और सरप्राइज भी गया। हाँ, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो आप लोग को आगे आगे वीडियो में देखना मिल जाएगा कि हमारे साथ कॉमेडी हो रहा है कि हमारे साथ क्या सरप्राइज हो रहा है कि क्या हो रहा है। नहीं राइट राइट राइट। तो फिलहाल इसी के लिए निकलने वाले हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि अभी 6 बज गया है तो निकलेंगे, केक लेके भी जाना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो ज्यादा लेट भी नहीं करेंगे, रात तक हम लोग रिटर्न करेंगे। फिर वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, मतलब हम लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो खाना गप्पे लगाने बैठ जाते हैं हम लोग घंटों पर। आज तो आई डोंट थिंक कि वो लोग भी काफी बिजी होंगे, जैसे कि मैंने बोला परसों ही उन लोगों का हाउस वार्मिंग का पूजा है। तो केक कटिंग करके हम लोग वापस आ जाएंगे, चाय वगैरह पी के कुछ करके बस। चलो फिर हम लोग वहाँ पर पहुंचने के बाद आपसे मिलते हैं, लेकिन उस टाइम तक आप पूरा एंडिंग तक आप वीडियो देखना जरूर। यस चलिए फिर निकलते हैं। But no money, but there ain't nobody stopping us. We got bills, but no dollars. But now we don't really give a, no, we don't really give a. Living for that ray of light, life can be beautiful, life can be beautiful. और ये है हमारे घर के सामने की, मतलब पूरा हाई क्लास रोड। ये बैंगलोर की हाई क्लास रोड है, मतलब मैं उस दिन पूरा ट्वीट किया पूरा, मतलब बीजेपी सीएम करना सबको। इसके वजह से हम 3 दिन कार नहीं निकाल रहे थे गाइस, मतलब इतना अभी तो निकालने के लिए मजबूर हो गया हम लोग। हाँ, और क्या 3 दिन निकले नहीं थे और क्या निकलेंगे नहीं क्या, मतलब आज फिर भी ठीक है, पूरा पानी जम गया था बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना घटिया रोड है ना, मतलब और ये लोग रोड का काम भी नहीं करते है, मतलब इस तरह से। और जब इलेक्शन के टाइम आ जाएगा मे भी सब, मतलब तब शायद कर सकते हैं, पर अभी तो खैर मतलब उम्मीद ही नहीं है। गाड़ी अगर फंस गया ना तो सीरियसली निकालना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। और ये देख सकते हो आप कितना कुत्ते हैं यहाँ पर, जो मैं स्टोरी बोल रही थी कि मेरे आने, मतलब जब मैं नया नया आई थी उस दिन, जो होम टाउन से शॉपिंग करके आ रही थी, जो इंसिडेंट हुआ था यहीं पर हुआ था मेरे साथ। और भगवान यही कुत्तों के वजह से मुझे जल्दी से जल्दी कार लिया है मैंने, मतलब कुत्ते के वजह से तुम 9 लाख खर्चा कर दिया मेरा, मतलब कुत्ते के वजह से मेरा जल्दी से जल्दी कार लिया। मतलब किसी के साथ होता है जो कुत्ते के लिए मतलब 9 लाख का गाड़ी का मैं इन्वेस्ट करूं, मतलब सीरियसली यार। मतलब ये तो कुछ ज्यादा हो गया, मतलब कुत्ते के लिए 9 लाख ठीक है, और मतलब वो सांड वगैरह होते तो उसके लिए 12-13 लाख हो जाता भाई सोच। अरे सीरियसली वो जो इंसिडेंट उस दिन से ना, मतलब कुत्तों से तो मतलब सीरियसली डर आ गई थी मुझे। मैं अभी, तो डर गया अभी, था। अभी, अभी मैं क्या करती हूँ पता है आप लोगों को, अभी देख, कभी दिखाना दिखाना कभी कभी दिखाना, कभी मैं दिखाऊंगा वो, अगर मेरे हाथ में कैमरा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सौम्या अभी रिटर्न जब करती है ना, आपके आपके हाथ में नहीं हो सकते, अगर हम कार पे रिटर्न कर रहे होंगे तो आपके हाथ पे कैमरा हो ही नहीं सकती है। नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं कब बोल रहा हूँ, अगर मतलब अभी मैं एक कुत्ता था जिसको मैं पहचान के रखती हूँ कि वो ही था उस दिन, वो ही भाग के आया था। और जब भी मैं जाती हूँ रात को, वो ऐसे शाम को नहीं दिखेगा आपको, मैं दिखाऊंगी किस दिन आपको वो कुत्ता। तो जिस दिन भी रात को हम लेट, मतलब वो चिरंजीव भाई भैया और भाभी को भी पता है, क्योंकि उनको भी वो एक बार दो बार भगाई है ऐसे जब भी आते थे। उनको उन्हें बोला हर किसी को जो किसी को ही मतलब हाँ। पर उससे मुझे बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा है, तो जब भी मैं जाती हूँ रोड पे उसको चिड़ा चिड़ा के ऐसा करके कर करके जाती हूँ, मुझे काट, मुझे मुझे मार, आ बेल मुझे मार, सही बोलते ना, आ मुझे काट बोल रही है भाई। अगर किसी दिन मतलब कुछ हो गया ना, कार खराब हो गया और उतर के जाना पड़ा, उसी दिन वो मुझे अपना रूप दिखाएगा, औकात दिखाएगा आपका, औकात में मत जाना, ये बिग बॉस में ऐसा होता है ना, बाप में मत जाना, औकात में मत जाना, बाप आप कार चलाओ आराम से। तो अभी यहाँ पर एक जस्ट बैक है, जस्ट हमारे घर के ही पास, तो वहीं पे आए हैं हम लोग, होपफुली की केक मिल जाए। Acting like there's no tomorrow. Acting like there's no tomorrow. Acting like this. Acting like this. तो केक तो गाइस लेके आ गए, पर देखते हैं अभी मतलब वो लोग घर पे होंगे या नहीं। आई थिंक
आई थिंक हो गए क्योंकि लाइक जैसे कि मैं बोल रही थी उन लोगों का काम है, पर अभी ना पिंकू यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं, बोले कि चाय पी के जाएंगे क्योंकि इवनिंग को मिल्क था भी नहीं और इसीलिए मतलब पिंकू भी लाए नहीं मिल्क जाके, मतलब उनको बोल भी रही थी, बोले कि जब हम जाएंगे चाय पी के चले जाएंगे। और थोड़ा सा मतलब कल से ना मेरी थ्रॉट पेन जैसे कि मैं बोल रही थी हो रही है थ्रॉट पेन, तो और बहुत टाइम हो गया ना मैंने थायरॉयड भी मेरा चेक नहीं किया, आई थिंक हो गया है 6 मंथ। तो इसी बीच मतलब कोरोना इतना चल रहा था, लास्ट टाइम ही मैं कोरोना चल रहा था गई थी, फिर भी अभी देखेंगे अभी कर लेंगे और एक बार थायरॉइड का मेरा जो टेस्ट है। बट गाइस इसका ना चाय जो है ना एक्चुअली बहुत ही टेस्टी है, मतलब हमारा ये ऑल टाइम फेवरेट है, हम लोग चाय यहीं पे चाय पीते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि मतलब कार पार्किंग करने के लिए भी सही है, सब कुछ ठीक है और घर के ये पास भी है। और गाइस मैं बात बोलूँ, मतलब जब से ना कार आया है लाइक अभी 2 मंथ कम्प्लीट होने वाला है राइट, तो मैं एक भी दिन में स्कूटी पे नहीं बैठी हूँ, मतलब इन्होंने एक आधी बार निकाला है। नहीं नहीं मैं तो हमेशा स्कूटी में आता हूँ, मतलब जो सुबह आता हूँ। नहीं 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 हमेशा नहीं आते हैं, ये भी मतलब कार लेके आते हैं, मुझे पता है, मुझे पता नहीं चलता है, मतलब घर पे पता नहीं चलता है, जब कभी मैं बालकनी पे निकाल के देखती हूँ अरे ये कार निकाल के चले जाते हैं अपना, मतलब सब्जी लाने भी मिल्क लाने भी ऐसे भी कभी बार चले जाते हैं। पापा से गाले सुनाओगे तुम मेरे को? हाँ भाई अगर पापा कुछ भी ये वीडियो में कुछ भी बोल दे रहे हो मतलब अभी पापा देखेंगे मेरे को गाली, फोन करेगा हाँ मेरे को पता था तू कार खरीदेगा तो ऐसा ही करेगा, मतलब ये एक्चुअली मतलब ये गाली सुनाने में पूरा एक्सपर्ट है ठीक है। हाँ मतलब चुगली करने में ही एक्सपर्ट है ठीक है, मतलब ये कोई चुगली नहीं, ये जो चुगली, सच है वो सच नहीं, ये चुगली है, जानबूझ के ये बोले, ये जानबूझ के ये बोली, मतलब इसको पता है कि ये वीडियो पापा हमेशा देखते हैं हमारा वीडियो तो ये देखेंगे और पिंकू को गाली पड़ेगा क्योंकि खुद बोल दी मैं तो नहीं आता हूँ ना, मैं तो नहीं आती हूँ मतलब ये मार्केट वगैरह नहीं आता, लेकिन पिंकू जब आते हैं सब्जी वगैरह, हाँ तुम आते हो क्या, तुम कभी आते हो, तुम कार मतलब देखने के लिए खाली सूंघने के लिए आते हो कार, कुत्ती हूँ क्या मैं? ऐसा नहीं मैं नहीं बोला हूँ, खुद बोली है कि कुत्ती है बोल के। यहाँ के बाद का जो क्लिप है मतलब पता नहीं मुझे, मैंने शूट किया था बट पता नहीं कैसे शायद डिलीट हो गया है और क्या हो गया है, और जो क्लिप भी कुछ आदि मेरे पास है वहाँ का उसका पता नहीं क्यों जो ऑडियो है वो भी नहीं चल रहा है, पर बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती हुआ था वो सब मतलब बेकार हो गया मेरा। और सरप्राइज़ तो खैर अच्छा ही था, सरप्राइज़ नहीं ये तो इन लोगों के लिए शौक हो गया है क्योंकि मतलब वो लोग का मतलब हम जब गए ना पूरा उनका डोर ही खोला था और वो लोग अंदर बैठ के बात कर रहे थे तो हमें मतलब बेल तक नहीं बजाना पड़ा, और जैसे ही मैं अंदर गई हैप्पी एनिवर्सरी बोल के तो वो लोग डर ही गए पूरा ऑल ऑफ सडन। तो खैर पर क्या करेंगे गाइस, बहुत ख़राब, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि जितना भी मैंने यहाँ पर शूट किया था और बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती हम किए थे तो वो सब लाइक मिस हो गया। और पिंकू तो पूरा भैया के पीछे पढ़ पढ़ के उनको पूछ रहे थे कि भैया बोलो आपका 5 साल का क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस है, तो उनका पूरा मतलब इंटरव्यू ले रहे थे पिंकू बैठ बैठ के, कितना झगड़ा हुआ क्या हुआ, पर खैर छुड़े गए डेफिनेटली। जब वो लोग नेक्स्ट टाइम कभी घर पे आएंगे तो फिर से वो मैं ट्राई करूँगी मतलब शूट करने के लिए आप लोग के लिए, क्योंकि आई नो आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मजाक आता है चिरंजीव भैया की बातों से। तो खैर चलिए गाइस साथ ही साथ ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।